और अब कुछ अहम खबरों पर विस्तार से चर्चा। कानपुर में मर्चेंट चैंबर के 90 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति ने मर्चेंट चैंबर सभागार पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बता दें कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने मर्चेंट चैंबर की स्मारिका का विमोचन किया है, साथ ही व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले 10 सालों में मर्चेंट चैंबर अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर लेगा और सभी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर एक बार फिर से कानपुर शहर को मैनचेस्टर बनाना है। राष्ट्रपति महोदय, चूंकि कानपुर को ही सही है और मर्चेंट चैंबर पूरे देश का सबसे पुराना चैंबर है, जो ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम जो है उनका हिंदुस्तानी नागरिकों को चैंबर में एंट्री नहीं मिलती थी, तो सदे कमलापति सिंघानिया जी ने मर्चेंट चैंबर का गठन किया उसमें। मैं आकर के हमको मिला था, मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। हमारे राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके और उनको काफी शिक्षा का प्रदान किया उन्होंने, और ये गौरव की बात है कि हमारे कानपुर नगर से जो नगरी है उसमें काफी बदलाव हुए हैं जिसका उन्होंने पूरा विवरण दिया, और मर्चेंट चैंबर हाल के विषय बताया उन्होंने। ये इतने 90 साल पूरे हो गए हैं और इसको शताब्दी वर्ष होने में केवल 10 वर्ष रह गए। ये गौरव की बात है कि हमारा कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही मैनचेस्टर समझिए इसको, पहले था, अब इसको फिर दोबारा मैनचेस्टर के उसमें लाने के लिए प्रयासरत है और हम सभी लोग हैं। मैं इनकम टैक्स बारिशों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ और उनका आदर सम्मान करता हूँ कि इनके द्वारा जो वित्त मंत्रालय द्वारा जो भी कार्यक्रम किए गए, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।